कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे आज मैंने बनाया है स्मोकी चिकन टिक्का जो कि आप बग़ैर सीखों के घर पे ही आसानी से बारबेक्यू का मज़ा ले सकते हैं और इसके लिए मैंने लिया है अगर आप केजी की बात करें तो तकरीबन मैंने दो के जी चिकन ली थी और पीसीज़ में फ़िफ्टीन पीसीज़ ये चिकन के थे जिनके अंदर मैंने गहरे कट लगा लिए थे पहले चिकन को बहुत अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद आप इसके अंदर गहरे कट लगा लें और फिर सारा पानी जब धोने के बाद निकल जाए तब आप इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दें इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है नमक और सिरका लगाना उससे ये चिकन बहुत मज़े का और नमकीन सा इसका फ्लेवर हो जाता है तो आप आपने इसके अंदर दो टेबल स्पून नमक डाल के और आधी प्याली इसके अंदर तकरीबन सिरका डाल के इसको बहुत अच्छी तरह हाथों की मदद से अंदर तक इसको ऑब्जॉर्व कर देना है ताकि ये आप बहुत अच्छी तरह इसका ये मसाला लग जाए और फिर आपने इसको क्या करना है कि फ्रिज के अंदर तकरीबन तीन से चार घंटे आपने इसको फ्रिज के अंदर एक छली में डाल के रख देना है मैंने ओवर नाइट रखा था आप कम से कम तीन से चार घंटे इसको फ्रिज के अंदर ज़रूर रखना है तो आप ये देखें ये सारे पीसेस मैंने बहुत अच्छी तरह से नमक और सिरके के साथ लगा के मैंने इसको एक छल्ली में डाल के रख दिया था ये बहुत मज़े का चिकन बनता है सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है और आप घर में ही बहुत आसानी के साथ इस मौकी चिकन टिक्का बना सकते हैं और मसाले भी घर के ही सारे मैंने लिए थे जिसके अंदर मैंने सबसे पहले लिया है एक प्याली मैंने दही ले लिया था और इसके अंदर मैंने तकरीबन दो टेब दो लेमन लिए थे मैंने बड़े साइज़ के लेमन थे आप चाहें तो अगर आपके पास लेमन बड़े नहीं है तो आप चार छोटे लेमन आप ले सकते हैं और उनका जूस आपने इसके अंदर डाल देना है आज... लेमन और दही से ये होता है कि चिकन जो है ना बहुत सॉफ्ट सा बनता है और बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है तो आप ये देखें सारे अगर इसके अंदर आ कोई बीज वगैरह लेमन के गिर जाएँ तो आपने उसको निकाल देना है और इसके अंदर मैंने रोस्टेड धनिया ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्ची वो मैंने मसाला घर में पीस के रखा हुआ है पहले से ही तो वो भी मैंने इसके अंदर दो टेबल स्पून ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने इसके अंदर एक टी स्पून नमक के ऐड किए क्योंकि नमक पहले हम डाल चुके हैं तो नमक बहुत थोड़ा ही इसके अंदर यूज़ करना है मैंने एक टी स्पून ही इसमें नमक डाला था और एक टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है एक टेबल स्पून गर्म मसाला इसके अंदर मैंने ऐड किया था और एक टी स्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही एक टी टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं एक टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं और आ, साथ मैंने इसके अंदर एक टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों के डाले हैं क्योंकि हमारे पास पीसीस ज़्यादा हैं तो मसाला भी उसी क्वान्टिटी में हमें बनाना होगा तभी वो बहुत अच्छा सा चिकन बनेगा एक टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है और तकरीबन चार टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन के पीसे डाले थे पेस्ट आपके पास अगर पाउडर है अदरक लहसुन का तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो वो ऐड कर लें चाहें तो आप ये अदरक लहसन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लें चार टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन डाले हैं और वन फोर्थ टी स्पून मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग डाला था अच्छा मेरे पास था दो टिक्का मसाला था तो मैंने दो टेबल स्पून टिक्के मसाले के ऐड किए हैं अगर आपके पास है तो आप डाल दें और नहीं है तो स्किप कर दें लेकिन टिक्के मसाले से इसका ज़ायक़ा बहुत मज़े का बनता है तो आप अगर है तो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें सारा मसाला आपने दही के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये जो पीसीस हैं आप देखें कितने साफ़ सुथरे से ये चिकन के पीसीज़ हैं तो आपने ये निकाल के तकरीबन वही तीन से चार घंटे के बाद आपने निकाल लेने हैं फ्रिज से और आपने फिर इसको वन बाय वन मसाला लगाना है मैंने ये जो चिकन है तकरीबन दो दिन के बाद बनाया था अगर आपने जल्दी बनाना है तो तब भी आप इसको तकरीबन चार से पाँच घंटे मैरिनेशन के लिए ज़रूर देंगे वरना तो आप ये है कि अगर आपने नहीं बनाना और आपने सिर्फ मसाला लगा के रखना है तो आप इसको आ, किसी भी ज़िपर बैग में या जो भी आपके पास शॉपिंग बैग वगैरह हैं उसके अंदर जिसमें ये एयर टाइट बंद हो जाए आप इसको फ्रीज़र में दस से पंद्रह दिन तक भी आप इसको रख सकते हैं बल्कि आप चाहें तो महीना भी इसको रख सकते सकते हैं हमारे पास ये होता है कि तैयार होता है मसाला तो जब कोई मेहमान आए या घर में बनाने का दिल हो तो बस फ्रीज़र से निकालें और इसको सुबह निकालें और शाम में आप बना लें ताकि अच्छी तरह से इसकी बर्फ़ वगैरह पिघल जाए मैंने दो दिन के बाद बनाया था मसाला लगा के मैंने रख दिया था सारा चिकन और मैंने दो दिन के बाद फिर इसको बनाया था मैंने फिर ये हुआ था कि मुझे शाम को बनाना था तो मैंने सुबह फिर इसको निकाल के बाहर रख दिया था तो इसकी सारी बर्फ़ वग़ैरह पिघल गई थी और फिर ये देखें कितना अच्छा सा इसके अंदर मसाला लग गया था अंदर तक जज्ब हो गया था तो जब मैंने बनाया तो ये बहुत मज़े के जूसी और बहुत ही सॉफ्ट से ये तिक्के बने थे तो इसके लिए आपने क्या करना है घर में बिना आ, सीखों के ही आपने किस तरह से बारबेक्यू का मज़ा लेना है उसके लिए आपने क्या करना है कि एक खुला सा बर्तन ले लेना है कोई भी आपके पास फ्राई पैन या कोई खुला सा कोई बर्तन हो वो आप ले लें और इसके अंदर बस तकरीबन तीन से चार टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल के डालने हैं बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं डालना क्योंकि हमने ये बारबेक्यू स्टाइल चिकन टिक्का बनाने हैं तो आपने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना आपने चार तीन से चार टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है और इसके अंदर बड़े से बर्तन में जितने इसमें टिक्के आ सकें चार से पाँच आप वो रख दें इसके अंदर अगर चाहें तो आप दो पॉट भी ले सकते हैं मैंने दो पॉट में बनाया था क्योंकि मैंने एक साथ ही फिर बना लिया था तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ था तो मैंने दो बर्तन ले लिए थे और उनमें मैंने ये टिक्के बना लिए थे आपने पॉट के अंदर ये सारे टिक्के रख के इसको आपने कवर करके रख देना है तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो ये देखें दस मिनट पंद्रह मिनट जब गुजर गए थे तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी तो इसका कलर भी देखें कितना अच्छा सा कलर इसका आया था और ये बने भी अंदर से इतने मज़े के और जूसी बने थे कि आप जब बनाएँगे आपको तभी पता चलेगा कि कितने मज़ेदार टिक्के बने थे तो तकरीबन दस से पंद्रह मिनट आपको एक साइड पकाना है और दूसरे साइड भी तकरीबन पंद्रह मिनट ही आपने इसको पकाना है जब ये बन जाएंगे देखें इसमें ऑयल भी नहीं है और ये कितने शक्ल से भी इतने प्यारे लग रहे हैं एंड में आपने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी आपने कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर देनी है और थोड़ा सा जो वाइट तिल होते हैं वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है इससे इसका जायका मजीद मजे का हो जाता है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते ना भारी होते हैं और इतने मजे के ये बन के तैयार हो जाते हैं साथ ही आपने क्या करना है कि एक कोयला ले लेना है उसको आपने चूल्हे के ऊपर गरम कर लेना है जब वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गरम हो जाएगा तो फिर आपने सारे तिक्के जो आपने बनाए हैं मैंने तो दो पॉट में बनाए थे तो मैंने फिर वो एक में ही सारे शिफ्ट करके तो मैंने इसके ऊपर फॉइल पेपर रख के आपके पास अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप प्याज का छिलका भी रख सकते हैं और आपने फिर इसके अंदर को कोयला रख के और फिर इसके अंदर एक टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और इसको कवर करके तकरीबन दस मिनट इसको छोड़ देना है तो ये आपके टिक्के मज़ेदार टिक्के बन के तैयार हो जाएंगे दस मिनट के बाद आपने इसका ढक्कन हटा लेना है और आपने ये कोयला भी रिमूव कर देना है तो ये आपके स्मोकी चिकन तक टिक्के तैयार हैं और साथ आपने क्या करना है इसको और मज़ीद जायका देने के लिए आपने एक प्याज़ ले लेनी है और उसको राउंड स्लाइस में काट लेना है थोड़ा सा थिक सा आप प्याज काट लें और आपने क्या करना है कि सारे टिक्के एक प्लेट के अंदर निकाल लें जो बाकी का मसाला और थोड़ा सा जो ऑयल बचेगा उसी के अंदर ही आपने ये प्याज़ डाल देनी है जो आपने अभी काटी है और इसको आपने इसके अंदर तकरीबन दो से तीन मिनट इसको फ्राई कर लेना है तो इस प्याज में भी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और मसाला भी इस प्याज के अंदर लग जाएगा और ये लगेगी भी बहुत ही मज़ेदार तो आपने ये इस तरह से राउंड स्लाइसिस में काट के इसको दो से तीन मिनट इसको इसी ऑयल के अंदर ही फ्राई कर लेना है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके के भी ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं यही मेरी हौसला अफजाई है और आपका प्यार है तो आप ये देखें ये इस तरह से फ़्राई हो गई थी और फिर मैंने इसको चिकन के ऊपर डाल दिया था ये मज़ेदार टिक्का तैयार है इन आपके साथ अगली रेसिपी में हाजिर होंगी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें इनशाला फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़